हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं दो दोस्त मिंग और जूफिक्स दोनों साथ में। मिंग जूफिक्स को इतने नर्व तर में देखे बहुत चौंका हुआ है। जूफिक्स पहले ऐसे से ऐसा हो गया है। मिंग जूफिक्स से ये चमत्कार कैसे हुआ इस सब के बारे में पूछने लगता है। जूफिक्स बताता है ये सब कुछ एक लड़की के कारण हुआ है। जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तब वो मुझे दिखती थी लेकिन उसके चेहरे के ऊपर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं होते थे। तब मैंने डिसाइड किया मैं तब तक भागूंगा और तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक वो खुद मुझे आके नहीं रोकेगी। इसी उम्मीद में मैंने भागना शुरू किया। मैंने भागते हुए उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि जब इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आएंगे तभी कैसा मूव बनाएगी। जैसे ही मैंने इमेजिन किया मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ गई। मैंने फिर से पूरी तेज तरह भागना शुरू किया। मिंग कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था, तुम कितना टाइम तक दौड़ पाए? 100 किलोमीटर। जूफिक्स कहता है 100 नहीं उससे भी ज़्यादा, 120 किलोमीटर। मैं तो इससे भी ज़्यादा भागने वाला था लेकिन वो ही मुझे रोकने के लिए आ गई। अगर वो उस टाइम पर मुझे रोकने के लिए नहीं आती तो मैं और बहुत दूर तक भागता जाता। तुम्हें पता है जब मैं 120 किलोमीटर भागा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मेडिकल टीम भी बुला ली थी। और मेरे इसी स्टंट के बाद में दो काम हुए। मैंने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया और साथ में हीरोइक स्प्रिट डिपार्टमेंट के अंदर भी मुझे ले लिया गया। ये कहने का जूफिक्स एक हीरो की तरह हंसने लगता है। मिंग कहता है बहुत अच्छी जूफिक्स, तुम्हारी कहानी बहुत शानदार है। भले ही कारण कोई भी हो तुमने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए हो। मिंग कहता है लेकिन अभी भी एक बात है, तुम अभी थोड़ी देर पहले रो रहे थे और तुम मुझसे कह रहे थे तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है लेकिन कुछ चीज़ें खराब है, इस सब का क्या मतलब है? जूफिक्स कहता है मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मिंग कहता है तो थोड़ा छोटा करके बताओ। जूफिक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें छोटा करके बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया मेरे पास में हीरोइक स्प्रिट है और साथ ही में मैं हीरोइक स्प्रिट डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन भी हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे पावर काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे पास में कुछ खास स्किल्स भी नहीं है। हीरोइक स्प्रिट के अंदर जो बाकी के लोग हैं वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मेरे पावर उनके कंपेरिजन में कम है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, बाकी के जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनसे कंपैरिजन में मेरी पावर ज़्यादा है। लेकिन हमारी एक स्क्वाड लीडर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूर है और बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उनकी वजह से मुझे कई बार खतरनाक मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कई बार बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। लेकिन तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही टाइम में उस स्क्वाड लीडर के लिए भी कोई ना कोई इलाज निकाल लूँगा, उसके बाद में वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए जूफिक्स हंसने लगता है। जूफिक्स से कहता है तुम अभी अपने स्क्वाड लीडर से बात कर रहे थे, मेरे को तुम्हारे पीछे एक लड़की दिखाई दे रही है, क्या यही है तुम्हारी स्क्वाड लीडर? ये सुनकर जूफिक्स थोड़ा घबरा जाता है। वो पीछे की तरफ मुड़के देखता है। जूफिक्स जैसे पीछे मुड़ता है पीछे की साइड से एक चीज सीधा आकर उसके सीने में पड़ती है जिसके पड़ते ही जूफिक्स टेबलों को तोड़ता हुआ जमीन पर गिर जाता है। फिर जूफिक्स खड़ा होता है और कहता है मैंने अपनी हार मान ली है, हमारे बीच में एक रेस लगी थी जिसके अंदर मुझे 100 किलोमीटर भागना था और अपने कंधों के ऊपर 300 किलो का वजन उठा के रखना था। मैं ये नहीं कर पाया, तुम जीती, अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। स्क्वाड लीडर कहती है नहीं मैं भी कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पर तो सजा देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक मिशन जो कि हम दोनों को मिला था, हम दोनों को उसे साथ में ख़त्म करना था लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है उस मिशन के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ में लेके नहीं जाऊँगी। उस मिशन को मैं अकेले कंप्लीट करने वाली हूँ, तुम आराम से बैठ सकते हो। जूफिक्स कहता है नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मिशन हम दोनों को मिला है तो हम दोनों इसे कंप्लीट करेंगे, मैं बिल्कुल भी डरपोक नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में इस मिशन में चलूंगा। जूफिक्स ये बात सुनकर मिंग बहुत खुश हो रहा होता है। मिंग जूफिक्स से कहता है जूफिक्स बहुत अच्छे, तुम बहुत बहादुर हो गए हो। स्क्वाड लीडर कहती है इस मिशन के अंदर हमें एक 3-eye मॉन्स्टर को मारना है जिसे रात के समय मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। अगर इस मिशन के अंदर मैं अकेले जाऊँगी तो ये काम काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है, हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं इस मिशन को सही तरह से करूँगी और अकेले करूँगी तो ही ये कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में जो भी रिसोर्स मिलेंगे वो हम दोनों बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सारा काम मैं करूँगी, रिवॉर्ड बराबर बढ़ जाएगा। तो भी जूफिक्स थोड़ा गुस्सा आता है। जूफिक्स अपना हाथ उस स्क्वाड लीडर के कंधे पर रख देता है और उसे कहता है मेरे हाथ देखो, देखो इनके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी लगता है मैं कमज़ोर हूँ? मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ, तुम बस थोड़ा टाइम रुको, मेरी हीरो की स्पीड इतनी ताकतवर हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। वेलकरी तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लगी हो,
जूफिक्स की बात सुनकर स्क्वाड लीडर मिंकी तो दिखने लगती है और उसे कहती है, तुम जूफिक्स के दोस्त हो ना, तुम इसे समझाओ कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, इसको यहीं पर रुकना चाहिए। तभी एकदम से स्क्वाड लीडर मिंक को थोड़ा गौर से देखती है और मिंक को पहचान देती है और कहती है, तुम तो मिंग हो ना जिसने मार्शल आर्ट कोर्स लिया है और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता है। मिंग कहता है, हाँ आपने सही पहचाना, मैं वही हूँ, मेरा नाम ही है मिंग चाओ। ये सुनते ही उस स्क्वाड लीडर का मूड खराब हो जाता है। वो चलते वहां जाने लगती है और सोचती है, मुझे तो लगा था जूफिक्स ही ऐसा है, लेकिन इसके तो सारे दोस्त ही बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसके दोस्तों इससे भी ज्यादा घटिया हैं। तभी मिंग जूफिक्स से पूछता है, जूफिक्स ये सब क्या हो रहा है, ये ऐसे चिड़ क्यों गई? जूफिक्स कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ती हुई आ रही है, तुम्हारी हरकतों के बारे में सबको पता चल चुका है। यहाँ पे मिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। मिंग कहता है, हरकतें मतलब क्या? जूफिक्स कहता है, तुम्हारे बारे में अफवाह फैली हुई है कि तुम ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर किसी भी लड़के को जाना अलाउ नहीं होता है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण लड़कियां तो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज है, लेकिन कुछ लड़के हैं जिनके बीच में तुम थोड़े से फेमस हो गए हो, वो सब भी ये जानना चाहते हैं तुम ये सब कर कैसे लेते हो। ये सुनकर मिंग बहुत खुश जाता है। मिंग कहता है, क्या सच में वो सब जानना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ? तो फिर ठीक है, अब मेरे पास में एक शानदार प्लान है, जो भी उनकी गलतफहमी है इसका मैं फ़ायदा उठाऊंगा और उन्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगा जो कि उनके और मेरे दोनों के काम आएगा। इसके बाद में थोड़ी शाम हो जाती है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग काफ़ी सारा खाना लेकर अपने टेंट की तरफ जा रहा होता है। मिंग चलते हुए सोचता है, मैंने इस खाने के लिए बहुत सारे मस्टर्ड कॉर्न्स खर्च किए हैं, ये सब मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे जल्दी जल्दी कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिले। मुझे थोड़े बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट की जरूरत है ताकि उनकी मदद से मैं किसी ऐसे स्किल को सीख सकूँ जिसकी मदद से मैं जूफिक्स की मदद कर सकूँ। ये सोचते हुए मिंग अपने टेंट के अंदर पहुँच जाता है, उस खाने को उठाता है और फिर रोते हुए कहता है, जूफिक्स ये सब कुछ मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। इसके बाद मिंग काफ़ी तेजी से उस सारे खाने को खाना शुरू करता है और साथ ही साथ मिंग कुछ नए नए स्किल्स को भी सीखता है, जैसे कि मॉन्स्टर फिस्ट अटैक, फिस्ट पंच और इसके अलावा और भी दो तीन। कुछ ही देर में मिंग का वो खाना खत्म होता है। इसके बाद मिंग अपने पिछले लाइफ में सोचने लगता है। वो सोचता है, मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में मैं ऐसे ही एक कैंप के अंदर आया था। उस टाइम पर मेरी यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अलग थी, लेकिन उस टाइम पर मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। अब जब मैं रेड ड्रैगन आर्मी की असली यूनिफॉर्म देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं पता नहीं उस टाइम पर कहीं चला गया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लिए मैं काम करता था। मुझे बस इतना याद है वो सामने की तरफ जो आदमी था उसकी बॉडी के ऊपर एक टैटू था, स्कल टैटू, उसी से मुझे पता लगाना है उस टाइम पर मैं कहाँ गया था। वैसे अभी तो मुझे नहीं पता है इस टैटू का मतलब क्या है। मिंगी सोच रहा होता है तभी उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर अपनी आंखों के सामने एक सूर्य जैसा कुछ दिखाई देता है। उस सूर्य के मुंह को देखकर मिंग एकदम से बहुत डर जाता है। वो विचित्र उछलता है और फिर देखता है वहां पे सूर्य नहीं है, केवल एक सूर्य का मुंह है और उसके पीछे एक लड़की खड़ी है और ये वही जंगली लड़की है जिसको मिंग एक बार हरा चुका है। इस लड़की का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये जंगली लड़की मिंग से पूछती है, मिंग तुम क्या कर रहे हो और ये एक सूर का मुंह ही तो है, तुम इससे इतना क्यों डर गए? मिंग कहता है, क्या ये असली मुंह है? जंगली लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल असली है, ये तो जंगल का कानून है, हम जितने ताकतवर अपोनेंट को मारेंगे उतने ज्यादा ताकतवर उतर जाएंगे। इस सूअर को भी मैंने मारा है, इसकी पूरी बॉडी तो मैं खा चुकी हूँ, बस इसका ये मुंह ही बचा है। तुमने मुझे एक बार हराया है इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। ये सुनकर मिंग अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है इसका फिर से शुरू हो गया। और यहीं पर इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर